different function, what are different marketing function. Actually, when we are going to study marketing now, there are three aspects of marketing which we have to deal. First is the functional approach of marketing, in which we are going to deal with the what are different marketing function. Okay, I have been listed and I have already elaborated on which. Regarding the last lecture, there is one thing, risk bearing. Okay, there is one topic, risk bearing. In risk bearing, there are two terms, hedging and speculation. And I will be happy if any of one of you taking assignment on this topic. Although I have given somewhat manner regarding your topic, regarding your examination point of view in the previous lecture, available on the university website, you can download it. But I will be happy if anyone, you will be go through insightly in this topic and deliver a 5 to 10 minute lecture. Anyone is ready? Hedging and speculation, bahut important question hai aur exam mein aksar aata rehta hai. What is the difference between hedging and speculation? कोई सुन रहा है मुझे? हाँ सर, सुन रहे हैं. कोई लेना चाहेगा? मैंने उसके बारे में थोड़ा सा एक essential information, मैंने जो लास्ट लेक्चर का पीपीटी था उसमें दिया हुआ है, और मैं उसके बारे में यदि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं ले लूंगा, लेकिन फिर भी 5-10 मिनट के लिए कोई ले सकता है. 10 मिनट का सेशन रख लेंगे कभी, जब भी मौका मिलेगा ले सकते हैं. सर कब लीजिएगा समय? हाँ, जब भी कोई रेडी हो जाए, और जब भी उसका टाइम, मतलब जब भी उसका टॉपिक रेडी हो जाए, अप टू यू. यस सर, ठीक है सर. कुछ पढ़ा दिया अभी सर? ले लेंगे सर, ले सकते हैं. हाँ, कौन ले रहा है टॉपिक फिर? सर टॉपिक आप बताइएगा ना सर. हेजिंग एंड स्पेकुलेशन, ठीक है सर. इसके बारे में मैंने एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो लास्ट लेक्चर की पीपीटी थी उसमें ऐड करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मैंने ऐड किया हुआ है. वहां पर वो अपलोड हो चुका है, मैंने भेज दिया था, तो वहां से आप डाउनलोड करके उसमें मैटर देख सकते हैं. लेकिन फिर मैं चाहता हूँ ना थोड़ा सा एक इंडिया तो स्टडी करके कोई आए और 10 मिनट के लिए कुछ लेक्चर डिलीवर करे इसके ऊपर. 10 मिनट के जितना समय लगेगा उतना समय दीजिएगा सर. चलो ठीक है, जो भी होगा इस लेक्चर के लास्ट में मुझे जो भी होगा ना मुझे बता देना, ठीक है. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो आज का लेक्चर है बेसिकली मार्केट इन्फॉर्मेशन, फाइनेंसिंग, रिस्क बेयरिंग, मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क. इसमें जो फाइनेंसिंग है और रिस्क बेयरिंग है, इसमें स्पेकुलेशन और हेजिंग आती है. इसको मैंने पिछले लेक्चर में कवर कर दिया था. आज बेसिकली आई विल डील विद द मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट इंटेलिजेंस एंड व्हाट आर डिफरेंट चैनल्स एंड इंस्टीट्यूशंस. मींस पहला अप्रोच क्या था मार्केटिंग को डील करने का? फंक्शनल अप्रोच था, जिसमें हमने मार्केटिंग के फंक्शंस को डील किया था. दूसरा अप्रोच मार्केटिंग का इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होता है. इसमें हम जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं मार्केटिंग के समय में, हम उनके बारे में डील करते हैं बेसिकली. हम उनके बारे में डील करते हैं. तो मार्केट इंफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज कम्युनिकेशन और रिसेप्शन ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट विच अफेक्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ प्रोडक्ट लाइक प्राइस, क्वांटिटी ब्रॉट इन टू मार्केट फॉर सेल्स, स्टॉक्स एक्सेट्रा. मतलब ये जो परचेसिंग प्राइस है किसी भी कॉमोडिटी से रिलेटेड, उसकी क्वालिटी का क्या मतलब, उसकी जो क्वांटिटी का स्टेटस क्या, कितना अवेलेबल मार्केट में, उसका डिमांड कितना है, उसका प्राइस लेवल कितना है, ठीक है, स्टॉक कितना है, सप्लाई कितना है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होता है, तो इसका जो इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है, कुछ एजेंसीज होती हैं जो इस तरह के इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करती हैं और बाद में जितने भी बेनिफिशरीज होते हैं वो उनको प्रोवाइड करती हैं कि भाई इस मार्केट में इस समय किसी कमोडिटी का ये रेट चल रहा है, किसी दूसरी जगह ये रेट चल रहा है. तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, नॉलेज, कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज होता है रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट, ठीक है, इसको मार्केट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं. इट फैसिलिटेट द फार्मर्स. देखो मार्केट इन्फॉर्मेशन से फायदा क्या होता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन? अगर फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसको डिसीजन रिगार्डिंग कि कब बेचे और कहाँ बेचे अपनी कमोडिटी को, ठीक है, यदि उसे पता है कि उस मंडी में रेट अच्छा मिल रहा है, उस मंडी में रेट खराब मिल रहा है, तो जहाँ अच्छा मिल रहा है और समय उसे पता है तो उस समय पर वहां जाकर इतना सेल आउट कर सकता है. तो मार्केट इन्फॉर्मेशन का ये बेनिफिट फार्मर्स के लिए, वो ज्यादा प्रॉफिट ले सकता है.
मार्केट इंटरमीडियरीज जो होती हैं, ठीक है, उनके लिए क्या बेनिफिट है, ये क्या करती है, मार्केट इंफॉर्मेशन हेल्प देम टू डिसाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ परचेस, वॉल्यूम टू सेल, आल्सो वॉल्यूम ऑफ गुड्स टू स्टॉक. मार्केट इंटरमीडिएट मतलब जो ये मिडिलमैन वगैरह होते हैं ना, जो वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कभी कभी, तो वो क्या करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े जो आढ़तीय टाइप के लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें पता होता है कि भाई उन्हें पता है कि कब इसका रेट बढ़ेगा कब घटेगा, ठीक है, वो उसी चीज का तो प्रॉफिट कमाते हैं, तो उन्हें पता होता है कि किस अमाउंट में किस कमोडिटी को हमें कितना स्टॉक करना चाहिए, कब किसको सेल आउट करना चाहिए वहां पर, इस तरह की चीजें उन्हें हेल्प करती हैं. और गवर्नमेंट को क्या हेल्प करती है, इससे क्या होता है, स्मूथ कंडक्ट ऑफ मार्केटिंग बिजनेस एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑफ पर्सन. गवर्नमेंट का काम क्या होता है, पॉलिसीज बनाने को होता है, और पॉलिसीज क्या होती है, पॉलिसीज गवर्नमेंट ऐसी बनाती है जिससे कि सभी लोग मैक्सिमम बेनिफिटेड हो, जो भी उसके मतलब बेनिफिशरीज हैं, फार्मर्स हुआ, इंटरमीडिएट्स हुआ, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो वो सभी प्रॉपर बेनिफिटेड हो, तो इस तरह की पॉलिसीज बनाने में गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है मार्केट इन्फॉर्मेशन के बारे में. जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ठीक है, ई प्लेटफॉर्म्स बनते हैं ना, एक मार्केट वगैरह गवर्नमेंट ने तो बना रखी, वहाँ पता है कि वहाँ पर सभी लोग आकर के आसान मतलब वेरी इजली मार्केटिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं. देन मार्केट इन्फॉर्मेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू मार्केट न्यूज एंड मार्केट इंटेलिजेंस. अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस, ठीक है, तो मार्केट इन्फॉर्मेशन दो तरह की होती है, एक मार्केट न्यूज होता है और मार्केट इंटेलिजेंस, तो इसको ध्यान से समझ लेना थोड़ा. मार्केट न्यूज क्या होता है, मार्केट न्यूज कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंस ऑफ करेंट इन्फॉर्मेशन ऑन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, मार्केट अराइवल्स, स्टॉक्स, डायरेक्शन ऑफ आउटफ्लोज एक्सेट्रा. एज मार्केट न्यूज गिवन करेंट इन्फॉर्मेशन, इट बिकम्स आउटडेटेड क्विकली एंड रिक्वायर्स अपडेटिंग एट फ्रिक्वेंट इंटरवल. इट हेल्प्स अस टू द फार्मर्स इन प्लानिंग देयर सेल्स, ठीक है. मार्केट न्यूज क्या होता है, जो तुरंत मतलब करेंटली क्या चल रहा है मार्केट में, क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है, किसी का प्राइस कितना है, कितना स्टॉक किसी मार्केट में आया हुआ है, ये जो लेटेस्ट न्यूज होता है, अपडेट होता है, ये मार्केट न्यूज बोला जाता है, ठीक है. मार्केट न्यूज में क्या हुआ कि जैसे कहां से कितनी सप्लाई आ रही है, कितना डिमांड है प्रेजेंट लेवल पे, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मार्केट न्यूज, ये तुरंत ही अगर जिसको भी यूज करना होगा मार्केट न्यूज को, वो तुरंत उसको कंज्यूम करेगा. अगर वो सोचे कि आज के बेसिस पे वो कल को डिसाइड करे तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये तुरंत ही स्पॉइल हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी, और इसको हमेशा रेगुलर अपडेट करने की जरूरत होती है. इंटेलिजेंस क्या होता है, मार्केट इंटेलिजेंस इट इज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. क्या होता है, जैसे कि एक तो करंटली इस समय क्या मार्केट चल रहा है किसी में, एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी कमोडिटी का, किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है, और कितनी डिमांड है वहां पे, ये चैनल की तुरंत लेटेस्ट जानकारी मिल गई हमें. एक ये होता है कि हमने किसी भी मार्केट में या किसी एरिया विशेष में या किसी कॉमोडिटी के मार्केटिंग के बारे में पिछले 10 साल के रिकॉर्ड की स्टडी करी हमने, ठीक है, और हमने ये निकाला कि किस सीजन में किसी कॉमोडिटी का ऑलमोस्ट एवरेज रूप से हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, कब नुकसान होता है सेल आउट करने से, ये जो इस तरह के इन्फ्रेंस निकाले जाते हैं, ये मार्केट इंटेलिजेंस बोले जाते हैं, ठीक है. तो मार्केट इंटेलिजेंस क्या होता है, इट इज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैपेंड इन पास्ट, इट इज स्टडी ऑफ मार्केट बिहेवियर दैट वाज ऑब्जर्वड इन द पास्ट pertaining to price trend, arrivals over time, stocks over time, ठीक है. तो एक जो मार्केट न्यूज है ना, अभी मार्केट न्यूज पे क्या हुआ, ये अपडेट होने वाली चीजें हमेशा क्विकली जरूरत होती है इसकी, ठीक है, तुरंत की जरूरत होती है, लेकिन जब इनकी रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है, और हमने पिछले एक लंबे समय का जो रिकॉर्ड किसी मार्केट निकाल के हम उसको स्टडी करते हैं, तो हम एक इनफ्रेंड निकालते हैं कि किस समय पे मार्केट में किस कमोडिटी कितनी आवक होती है, किस समय उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है, किस समय उसे प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिलता है सेल करने पे, ये जो इस तरह के इन्फ्लुएंस निकाले जाते हैं, ये मार्केट इंटेलिजेंस बोले जाते हैं. देन मार्केट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय बोथ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल एजेंसीज. दोनों तरह की एजेंसीज होती हैं, जो पब्लिक भी हो सकती हैं और प्राइवेट एंटिटीज भी हो सकती हैं. द मेजर रोल इन इंडिया इन रिगार्ड टू कलेक्शन ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन गवर्नमेंट एजेंसीज. कौन कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो इस तरह के मार्केट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, जैसे स्टेट मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हो गया, ठीक है, स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड हो गया, जैसे सिल्क बोर्ड हो गया, कॉफी बोर्ड हो गया, ये इस तरह के बोर्ड्स होती हैं, अपना एनालिसिस करती रहती हैं. डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये क्या करते हैं, अपने स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं कि भाई वो अपने स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पूछते हैं कि भाई कब प्रॉफिट, कब डिमांड ज्यादा थी, कब सप्लाई कितनी थी, इस तरह की चीजें. इन केस ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्ट,
अब देखो ये एजेंसीज, ये सब तो इन जनरल लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट में कौन कौन सी एजेंसीज है, आपको हो सकता है कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है, या ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी एजेंसीज किस चीज से, कभी मल्टीपल में पूछा जा सकता है इस तरह की चीजें। एक एनएससी का कॉन्सेप्ट आता है, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है, ये अंडे के लिए होती है बेसिकली, बेसिकली अंडे के लिए। लेकिन क्या है कि ये जो कोऑपरेटिव कमेटी शुरू में बनी थी, एक्चुअली ये हैदराबाद एस्टेब्लिश्ड है, जब मेन जो हमारा एक प्रोडक्शन का जो प्राइमरी पॉकेट माना जाता है ना, हैदराबाद माना जाता था, उसके बाद वो चंडीगढ़, पंजाब, उधर के एरिया में फैला, अब इधर बिहार में भी आ रहे हैं, लेकिन प्राइमरी वहीं पे एस्टेब्लिश होता है एनएससी का। आप लोग असाइनमेंट में ये दे रहे हो कि एनएससी के संस्थापक कौन थे, नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है। एक बात ये होगी, और दूसरी चीज ये होगी कि जब एक कॉपरेटिव बन गया तो धीरे ने अपनी, इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड भी कर लिया थोड़ा सा। बेसिकली ये अंडे के लिए बनी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो, क्योंकि फार्मर्स का भी ऐसा नहीं होता स्पेशलाइज कि वो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत से फार्मर्स जो डेयरी वगैरह भी कर रहे थे, तो बेसिकली जब हुआ कि भाई अंडे के बारे में उनको मार्केटिंग का करना है, तो साथ में थोड़ा मिल्क भी कर लेते, तो जो अदर लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट थे उनको इसमें इंगेज कर लिया गया। द सोर्सेज फ्रॉम विच मार्केट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन, अब कहां से, ठीक है, ये तो हुआ कि ये जो ऊपर की एजेंसीज थी लाइफ स्टॉक की हुआ, एग्रीकल्चर की हुआ, जहां से, ये वो एजेंसीज हैं जो मार्केट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये मार्केट इन्फॉर्मेशन कहां से, फार्मर्स कहां से गेट कर सकता है, जो बेनिफिशियरी वो कहां से ले सकता है, ठीक है, तो उसके ये सोर्स न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, पब्लिकेशन लाइक बुलेटिन ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस, एग्रीकल्चर प्राइस इन इंडिया, ये सब मैगजीन्स निकलती है डिफरेंट, ये जो एजेंसीज मैंने ऊपर डील किया ना, ये अपनी अपनी रिपोर्ट्स निकालती है, एनुअल रिपोर्ट्स इनकी आती है, ठीक है, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन होता है इनका फार्मर्स तक। अच्छा, ये मार्केट इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस के बारे में थी। अभी पहला अप्रोच में मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शनल अप्रोच टू मार्केटिंग, अभी ये क्या, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू मार्केटिंग, ये किस चीज, ये कौन सा अप्रोच है, इसमें जो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होंगे मार्केटिंग में, ठीक है, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होंगे डिफरेंट, ये उनके बारे में डील करेगा। बेसिकली अगर उनको लेमैन की तरफ बोले तो उनको हम मिडिल मैन बोल सकते हैं, मिडिल मैन कई तरह के हो सकते हैं, हमेशा हम मिडिल मैन को नेगेटिव नहीं सोच सकते कि हाँ भाई वो ठीक है जो बीच का कमीशन खाता है, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं से उसके कई रोल्स होते हैं, हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, अगर इतना डिनाई करना आसान होता तो आज तक हम इंडियन से मिडिल मैन को एलिमिनेट कर चुके होते हैं, ठीक है। तो मिडिल मैन कई तरह के होते हैं, इस पर एक क्वेश्चन आता है कि इसका क्लासिफिकेशन पर दिमाग फ्रेम कर लेना, और इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे स्पेकुलेटिव मिडिल मैन हुआ, फैसिलिटेटिव हुआ, इसके अलावा होलसेलर हुआ, तो ये इनके डिफिनेशंस पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है, पता होना चाहिए रिटेलर क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, स्पेकुलेटिव मिडिलमैन क्या होता है, फैसिलिटेटिव क्या होता है, इनके डिफिनेशंस हैं, इसको वन बाय वन देख लेते हैं। बेसिकली जो मिडिलमैन होते हैं, चार, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ मिडिलमैन, मर्चेंट, एजेंट, प्रोसेसर, स्पेकुलेटिव मिडिलमैन एंड फैसिलिटेटिव, ठीक है, आगे देखते हैं वन बाय वन। मर्चेंट मिडिलमैन क्या होता है, मर्चेंट मिडिलमैन कैन बी रिटेलर और होलसेलर, रिटेलर परचेज द रिक्विजिट लॉट ऑफ गुड्स फ्रॉम होलसेलर, ऑब्वियसली बात है रिटेलर कहां से सामान कर देगा, होलसेलर से कर देगा, और उसको डायरेक्टली अल्टीमेटली कंज्यूमर्स पे कंज्यूम करेगा, वहां पर डिस्पोज ऑफ करेगा रिटेलर। होलसेलर क्या करता है, इज बाय कमोडिटी इन बल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स एंड सेल टू रिटेलर्स और प्रोसेसर। तो ये ध्यान रखना कि रिटेलर्स किसके किसके बीच में काम कर रहा है और होलसेलर किसके बीच में काम कर रहा है, ठीक है, ये मर्चेंट मिडिलमैन है। रिटेलर क्या करता है, एक थोड़ा सा अमाउंट में गुड्स खरीदेगा और ये होलसेलर से खरीदता है, कंपेरेटिवली इसका अमाउंट कम होता है लॉट, होलसेलर से परचेस करके सीधे किसके किसके बीच में प्रेजेंट है, कंज्यूमर के बीच में। होलसेलर जो है वो किसके किसके बीच में, जो ट्रेडर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं उनके और रिटेलर या प्रोसेसर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। होलसेलर को भी इनको लोकल बायर्स बोल सकते हैं, फुल टाइम होलसेलर के रूप में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। लोकल बायर क्या होते हैं, buy the product in the producing area directly from the producers and shift the product to larger city and town area where they sell to another wholesaler or processor. अच्छा, ये किस तरह कहते हैं, इन्होंने जहां पर प्रोड्यूस, जिस एरिया में प्रोड्यूस हो रहा है ये वहीं पर जाते हैं और वहां पर उस चीज को परचेस करते हैं। प्रोड्यूसर्स को इनके पास नहीं आना पड़ता, मार्केट में नहीं आना पड़ता, ये वहां से चीजों को खरीदते हैं और वहां से ला करके जो बड़ी सिटीज हैं या बड़े टाउन हैं वहां जो बड़े होलसेलर्स हैं या ट्रेडर्स हैं ये उनको सेल आउट करते हैं, ठीक है। एक फुल टाइम होलसेलर होते हैं, they are specialized in only limited number of product and generally are situated in larger towns and cities. अब ये क्या होता है, ये जो फुल टाइम होलसेलर है क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के एरिया में चले, कुछ भी परचेस उन्हें लगे कि नहीं कि भाई आज इसे खरीद लिया, कल उस कॉमोडिटी को खरीद लिया, कल इसे खरीद लिया,
और वहां से ला करके मार्केट में उन्हें पता है कि किस होलसेलर को किस चीज को, वहां पर जाकर उसको सेल आउट कर देते हैं। एक तो ये हो गया लोकल बायर्स हो गया। दूसरा ये जो फुल टाइम होलसेलर्स हैं ये स्पेशलाइज्ड टाइप के होते हैं, ये फिक्स होता है, ये मार्केट जो बड़ी मंडियां होती हैं शहर वगैरह में वहां पाए जाते हैं ये बेसिकली, और बड़े स्पेशलाइज्ड। जैसे कि ये जो लोकल बायर थे ये अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों को खरीद रहे थे कि हाँ इसमें किस चीज को बेचने में ज्यादा फायदा है, आज ठीक है आज मक्का खरीद लिया कल गेहूं खरीद लिया। और जो शहर की या बड़ी मंडियां वहां बड़े स्पेशलाइज्ड होलसेलर होते हैं, एक होलसेलर की क्वांटिटी फिक्स होती है, वो केवल गेहूं का ही कारोबार करता है, कोई अगला है तो वो केवल मक्के का कारोबार करता है। तो ये जो लोकल बायर्स थे उन स्पेशलाइज फुल टाइम होलसेलर्स के पास जाकर के सेल आउट कर रहे थे। वहां पर जो होलसेलर थे वो क्या थे, स्पेशलाइज थे, वो उनकी कमिटीज फिक्स थी कि वो किस चीज का कारोबार करते हैं, ठीक है। ये फुल टाइम होलसेलर्स होते हैं, ये लार्जेस्ट टाउन से सिटी में सिचुएटेड होते हैं। दूसरा है एजेंट मिडिलमैन। एजेंट मिडिलमैन एक्ट ओनली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एम्प्लॉयर नहीं होते। दे डू नॉट एक्चुअली ओन द प्रोजेक्ट बट सेल और परचेस ऑन बिहाफ ऑफ देयर एम्प्लॉयर ओनली। They simply help in the negotiating activity and get commission in term of fees. ये agent middleman होता है। Commodity पर इनका कोई अधिकार नहीं होता, ठीक है। अगर जैसे ये केवल employer के representative होते हैं, ठीक है, और ये काम क्या करते हैं, commodity को sell और purchase करने के लिए negotiation का काम करते हैं दोनों के, है ना, दोनों के बीच में एक buyer की तरफ से आ गया, एक इधर से आ गया seller की तरफ से, और दोनों आपस में मिल करके उन्होंने भाव तय कर लिया और जो रेट तय हुआ उसके हिसाब से फिर बिक्री हो जाती है उसकी, उसकी मतलब उसका भी क्या करते हैं, उनको कमीशन मिलता है। जो सेलर बाय जो इनका एम्प्लॉयर है वो उनको कमीशन प्रोवाइड करता है, भाई इतना परसेंट आपको मिल गया, उतना परसेंट लेकर के वो उनका कमीशन, वही उनकी फीस हो जाती है, ठीक है। तो एजेंट मिडिलमैन क्या करते हैं, ये बेसिकली नेगोशिएशन की एक्टिविटी करते हैं और कमीशन इनका फीस होता है। अच्छा, ये दो तरह के होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं और ब्रोकर्स होते हैं। कमीशन एजेंट क्या होते हैं, कमीशन एजेंट आर ग्रांटेड मोर पावर्स बाय देयर एम्प्लॉयर्स। They take over the physical handling of the produce, arrange for terms for sale, collect the return, deduct his fees, commission and remit the balance to his employer. अच्छा, एक तो वहां पर ये हो रहा था इनका थोड़ी सी physical holding के ऊपर इनका क्या होता है ना, इनके पास ज्यादा powers होती है। They take over the physical handling of the produce. वो produce को लेके जा रहे हैं, ठीक है, उनका arrange करना है, और इसके अलावा जो term of sales है उसको, मतलब किसी भी commodity की जो selling होनी है वो किस टर्म पे होनी है, क्या टर्म कंडीशन लगेंगे, नेगोशिएशन तो करेगा ही ना, तो उसके क्या टर्म होंगे वो सारी चीजें मतलब वो डिसाइड करता है। इसके अलावा वो जो भी पैसा आता है वो उसको लेता है, उसमें से अपना हिस्सा निकालेगा और इसके अलावा जो सारा बैलेंस है वो अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर देता है। ये होते हैं कमीशन एजेंट, ये बीच में कमीशन लेते हैं। दूसरा क्या होता है, ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर्स डू नॉट हैव फिजिकल कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट। ये डिफरेंस है कमीशन एजेंट और ब्रोकर्स में। जो कमीशन एजेंट होता है उनका फिजिकल हैंडलिंग मतलब उनका कंट्रोल होता है, लेकिन ब्रोकर्स का कंट्रोल नहीं होता फिजिकल मतलब प्रोडक्ट के ऊपर। एंड द रोल इन रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू प्राइस नेगोशिएशन। ये केवल प्राइस नेगोशिएशन करते हैं ब्रोकर, ठीक है। दे ब्रिंग बायर्स एंड सेलर टुगेदर। ये क्या करते हैं, बायर्स एंड सेलर्स को एक साथ लेके आते हैं और चार्ज ब्रोकर्स विच इज फिक्स सम ऑफ अमाउंट फॉर हेल्पिंग टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर मार्केटिंग एक्टिविटी। ये फिक्स्ड होता है, वो अपना ब्रोकरेज लेते हैं और फिर अपना काम, इनका काम क्या होता है कि एक टेबल पर बायर्स एंड सेलर को लेके आना और प्राइस नेगोशिएट करा देना, इसके एवज में उनको ब्रोकरेज मिलता है, ठीक है, जो फिक्स होता है। दे कलेक्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट ऑन द सेल ऑफ द कमोडिटी, डिडक्ट देयर कमीशन। अब देखो ये क्या होता है ना, एक तरह से मार्केट इन्फॉर्मेशन, ये मार्केट इंटेलिजेंस कह लो या मार्केट इन्फॉर्मेशन, और ये एक सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। जब बायर्स एंड सेलर एक टेबल पे आ गए तो ये अपना जो इंटेलेक्चुअल है, जो इनका इनसाइट है मार्केट इन्फॉर्मेशन मार्केट इंटेलिजेंस के थ्रू, उसके थ्रू ये प्राइस निगोशिएट कराते हैं कि भाई इतने पे इस चीज की खरीदारी इतने पे होगी, ये टर्म कंडीशंस होंगे और इसके बेस पे प्राइस निगोशिएशन हो गया, वहाँ पे तय हो गया, इसके वजह से उनको ब्रोकरेज मिलता है। ये उनके ये उनका मेहनत आना होता है, ये एजेंट मिडिलमैन होता है। फिर क्या होता है, प्रोसेसर्स होते हैं। प्रोसेसर्स क्या होते हैं, प्रोसेस चेंज द फॉर्म शेप। अब वो जो यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में, वो यहाँ पर आता है। प्रोसेसर्स क्या करता है, वो फॉर्म चेंज क्वालिटी टेस्ट कलर एसेट्रा जो रॉ प्रोड्यूसर उसको चेंज करता है, उसमें वैल्यू एडिशन करता है, ठीक है, और फिर इसको मार्केट में अवेलेबल कराता है। इसने क्या किया, किसी चीज में यूटिलिटी क्रिएट कर दी, ठीक है। जैसे क्या होता है कि मिल्क खाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जो प्रोसेसर्स होते हैं मिल्क में क्या करते हैं, वेनिला फ्लेवर क्रिएट करते हैं,
दुनिया भर के फ्लेवर्स आते हैं ना मार्केट में, वो उन्हें फ्लेवर क्रिएट करती है। इससे क्या होता है कि उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जब प्राइस बढ़ गया तो उसकी प्रॉफिट होती है वहां पे। तो इन ये बेसिकली क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस से चीजों को खरीदते हैं जो मतलब होलसेलर और एजेंट से उनसे परचेस करते हैं प्रोसेसर, उसके उसमें यूटिलिटी क्रिएट करके दोबारा ये क्या करते हैं मार्केट में अवेलेबल करा देते हैं। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के बाद ये क्या करते हैं, जो बीच का मार्जिन मनी है ये उसमें प्रॉफिट कमाते हैं प्रोसेसर जो होते हैं। देन स्पेकुलेटिव मिडिलमैन, स्पेकुलेटिव मिडिलमैन और फैसिलिटेटिव, ये मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन आप लोग, तो ध्यान से रखना इस चीज को। द रोल ऑफ स्पेकुलेटिव मिडिलमैन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी इन प्रोडक्शन ऑफ सच प्रोड्यूस। They procure and purchase the produce with the aim of making major profit with future price movement. The process of making profit from future price movement is called speculation. Speculation basically क्या होता है ना, दूर दृष्टा, बहुत दूर की सोचना, यहाँ आने वाले समय में किसी commodity का price कितना हो सकता है, market में कितना उस समय आवक कितनी होगी, कितना नहीं होगा, ठीक है। तो ये वो middleman होते हैं जो agricultural product को, चूंकि ये क्या होता है, गेहूं होता है वो साल भर तो नहीं प्रोड्यूस होता, वो किसी सीजन पर्टिकुलर में प्रोड्यूस होने वाली चीज है गेहूं। ये क्या करेंगे, ये ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें लगेगा नहीं इस साल गेहूं का रेट ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा होगा ऐसा, तो वो क्या करेंगे जिसमें गेहूं का प्रोडक्शन सीजन चल रहा होता है और बहुत सस्ते में लोग लेते हैं, इसमें ये वहां से चीजों को खरीद लेते हैं, ठीक है, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में उसका रेट बढ़ेगा, वो अपने मार्केट इंटेलिजेंस के हिसाब से उनका जो भी रहेगा। ये होते हैं स्पेकुलेटिव मिडिलमैन, ठीक है। और ये प्रोसेस होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर प्राइस। भविष्य में उनको लगेगा कि यहाँ बढ़ेगा तो उन्होंने इसको खरीदा, रखा, स्टोर किया और जब उसका रेट बढ़ा तो उसे सेल आउट कर दिया, होते हैं स्पेकुलेटिव मिडिलमैन। देन फैसिलिटेटिव मिडिलमैन क्या होते हैं, दे जनरली प्रोवाइड फिजिकल फैसिलिटीज इन मार्केटिंग और ट्रेडिंग बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन ट्रांसपोर्टिंग, लोडिंग, अपलोडिंग, स्टोरेज। दे ऑल्सो प्रोवाइड डाटा ऑन प्राइसेस, सप्लाई, डिमांड्स ऑफ अ कमोडिटी एंड गाइड द रूल्स ऑफ ट्रेडिंग अमॉन्ग मार्केट इंटरमीडियरीज, ठीक है। फैसिलिटेटिव का मतलब सीधा सीधा देखो समझ में आता है कि ये फैसिलिटीज क्रिएट करते हैं मार्केट में। फैसिलिटीज कैसी होती है मार्केट में, जैसे कि आप किसी कॉम्पिटिटिव को लेकर किसी मार्केट में जा रहे हो तो उसकी ग्रेडिंग करनी है, उसमें कौन कौन से ग्रेड्स हैं, तो ग्रेड्स कैसे होंगे, हो सकता है इनके पास ये बहुत से फैसिलिटेटर होते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव डिफरेंट ग्रेड्स में तुरंत बांट देते हैं, ठीक है, ये फैसिलिटी हो गई। इसके अलावा जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस है कि डिमांड क्या रहेगा, ये मतलब किस समय पे किस चीज की क्या डिमांड है रहनी चाहिए, क्या सप्लाई होती है मतलब मार्केट में, प्राइस कितना चल रहा होता है, ये इस तरह की चीजें होती है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, सामान को यहाँ से किसी दूसरे मंडी में लेके जाना है तो ट्रांसपोर्ट मतलब गाड़ी वगैरह मुहैया कराएंगे, ठीक है, तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, सामान आ गया तो उसकी लोडिंग या लोडिंग करवाएंगे। ये जो मिडिलमैन होते हैं ना फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको फैसिलिटेटिव मिडिलमैन बोला जाता है। तो बेसिकली जो आप उनसे पूछा था स्पेकुलेटिव और फैसिलिटेटिव पूछा जाता है। इसके अलावा होलसेलर और रिटेलर भी पूछा गया है कई बार, हालांकि आप लोग इसका पूरा जो मैंने शुरू में चार्ट दिया हुआ ना क्लासिफिकेशन का, उसको याद कर लेना, रख लेना और पढ़ अच्छे से लेना। अच्छा, ये तो था कि इंस्टीट्यूशनल मतलब कितने किस तरह के इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं मार्केटिंग के समय में, तो मिडिलमैन का पूरा आ गया इसमें, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच के हिसाब से स्टडी होती है मार्केटिंग की, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी कमोडिटी को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाने में कितने चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो ये स्टडी होती है ये इस डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच में आती है, ठीक है। दिस अप्रोच स्टडीज द पैसेज ऑफ कमोडिटी थ्रू डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज इट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ अल्टीमेट कंजप्शन। मार्केटिंग चैनल इज द रूट और पाथ थ्रू विच द कमोडिटी रीचेस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। दिस कैन बी मेनी अल्टरनेटिव रूट्स, ऑब्वियस सी बात है किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाने में बहुत से चैनल्स इन्वॉल्व सकते हैं, वो वेरी कर सकता है। द मार्केट प्रोड्यूसर्स हैज टू डिसाइड विच, हाँ, जो मार्केट प्रोड्यूसर्स हैं उनको डिसाइड करना होता है कि भाई किस रूट से लेके जाएंगे तो उनको प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। अब जैसे क्या होता है कि ये चैनल्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई डिफरेंट मिल्क की मार्केटिंग का बताओ, एक की मार्केटिंग बताओ, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है फिर, ठीक है। तो जैसे मिल्क की मार्केटिंग कैसी होती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर होता है सीधे, कभी फिर प्रोड्यूसर से मिल्कमैन होता है, मिल्कमैन से कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर से मिल्क मार्ट होता है, वहां से स्वीट सेलर होता है मिठाई बेचने वाला और वहां से कंज्यूमर होता है। तो मिल्क का ही फॉर्म चेंज होता जा रहा है, तो ये डिफरेंट चैनल्स इन्वॉल्व हैं मिल्क की मार्केटिंग के, ठीक है।
इस बार एक बार इसको देख लेना, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं समझ में आएगा जिसको, इसको भी नहीं समझ में तो मुझसे पूछ लेना, इसमें कुछ वैसे समझने वाली चीज नहीं है, लेकिन चूंकि आपके कोर्स में है तो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि भाई मार्केटिंग चैनल मिल वो आप बताइए, तो पता होना चाहिए, ये कॉमन सेंस की चीजें हैं। देन मार्केटिंग चैनल फॉर एक अंडे की मार्केटिंग कैसे होती है, असल में जब ये जो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जब आप लोग फर्स्ट देखेंगे ना, तो आपको ये भी समझ में आएगा अपने आसपास के परिवेश से जब आपको इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि हाँ किस चीज की मार्केटिंग कैसे कैसे होती है, कितने इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं इन चीजों में मार्केटिंग में, ये थोड़ा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये सारे इनके चैनल्स हैं। देन मार्केटिंग चैनल्स फॉर लाइव पोल्ट्री, जो मुर्गी मीट के लिए सीधे लाइव पोल्ट्री सेल आउट होती है, कैसे होती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के डायरेक्ट हो जाती है, देन प्रोड्यूसर से होलसेलर, वहां से रिटेलर फिर कंज्यूमर, देन प्रोड्यूसर से कोऑपरेटिव सोसाइटी पे जाएगी, फिर वहां से मार्केटिंग सोसाइटी पे जाएगी, फिर रिटेलर फिर कंज्यूमर पे जाएगी। ये डिफरेंट चैनल्स हैं इस तरह के। देन मार्केटिंग चैनल्स फॉर लाइव एनिमल, लाइव एनिमल का कैसे होता है, सेलर से ट्रेडर, ट्रेडर से बायर्स, फिर मिडिलमैन बायर, ट्रेडर से मिडिलमैन बायर्स, ये सब हैं सारे सारे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस आज के लेक्चर में थैंक यू सर, एक मिनट, आज के लेक्चर में बस इतना ही, और बेसिकली मैं फिर से एक रिवाइज कर देता हूँ आज के लेक्चर को, जैसे कि मार्केट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो याद रखना कि अक्सर कई बार मार्केट इन्फॉर्मेशन और मार्केट इंटेलिजेंस में डिफरेंस पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले तो आपको ये समझ कि मार्केट इन्फॉर्मेशन क्या है और मार्केट इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, मार्केट इंटेलिजेंस मार्केट इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, टाइप है। ठीक है, एक मार्केट न्यूज और मार्केट इंटेलिजेंस का डिफरेंस होता है कि जो मार्केट न्यूज होता है ये एट ए टाइम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी चीज के क्या कंडीशन है, कमोडिटी की मार्केटिंग से रिलेटेड जो मतलब प्राइसिंग के क्या कंडीशन है किसी मार्केट में, डिमांड की क्या कंडीशन है, सेलिंग की क्या, कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना सप्लाई अवेलेबल है, ये जो चीजें होती है एक तुरंत ये मार्केट न्यूज में आता है। लेकिन धीरे धीरे एक पास्ट में आप एक टाइम फ्रेम ले लिया, उसमें इन चीजों की स्टडी की और आपने ये इनफ्रेम निकाला कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किस चीज का कितना चीज अवेलेबल रहता है मार्केट में, प्राइस किस समय ज्यादा रहती है, कब कम रहती है, ट्रेंड क्या होता है, ये जो ट्रेंड निकाले जाते हैं ना मार्केट इंटेलिजेंस के थ्रू निकाले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्लासिफिकेशन है मिडिलमैन का, इसको एक बार देख लेना और अच्छे से याद दिमाग बैठा लेना, ये पूछा जाता है। और होलसेलर रिटेलर्स मोस्टली पूछे जाने, मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछ लिए जाएंगे। कमीशन एजेंट और ब्रोकर, इसमें किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लो अभी। कमीशन एजेंट और ब्रोकर में, कमीशन एजेंट की होल्डिंग मतलब क्या होता है, ये जो कॉमोडिटी उसके ऊपर फिजिकल होल्डिंग ज्यादा होती है, लेकिन ब्रोकर कोई फिजिकल होल्डिंग नहीं करता, फिजिकल कंट्रोल नहीं होता उसका। वो उसका काम ब्रोकर का केवल इतना होता है कि जो बायर्स और सेलर्स को एक टेबल पे लेके आना और प्राइस का नेगोशिएशन करा देना। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। कमीशन एजेंट एक फीस के रूप में लेता है कि भाई ठीक है, वो फिजिकल होल्डिंग लेके आता है, उसके बाद चीजों को टर्म ऑफ सेल डिसाइड करता है। ठीक है, और उसके बाद जब सेलिंग हो जाती है तो उससे वो अपना पैसा, अपना कमीशन काट करके जो पैसा है सीधे अपने एम्प्लॉयर को दे देता है। ब्रोकर क्या होता है कि वो अपना ब्रोकरेज चार्ज होता है उसका, वो चार्ज क्या होता है वो फिक्स होता है कि भाई ठीक है, हम दोनों के बीच में ये समझौता, ये नेगोशिएशन कराएंगे, इसका हमें ये चार्ज मिलना चाहिए, पहले से डिसाइडेड होता है उनका। प्रोसेसर्स वो होते हैं जो किसी भी कॉमोडिटी जो किसी प्रोड्यूस के फॉर्म में, शेप में, क्वालिटी, टेस्ट, कलर में चेंज करके उसमें यूटिलिटी क्रिएट करते हैं ताकि मार्केट में उससे वो ज्यादा प्राइस ले सकें। ठीक है, स्पेकुलेटिव मिडिलमैन क्या होते हैं? अब क्या होता है कि जो एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी होती है साल भर उनका जो प्रोडक्शन ग्राफ होता है वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे गेहूं जो रबी की फसल है वो मार्च अप्रैल में मिलेगी, जो खरीफ की फसल है वो बेसिकली अक्टूबर नवंबर के समय में तैयार होकर मिलेगी, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी साल भर चाहिए होती है ना मार्केट में, इनको मतलब होना चाहिए कि साल भर की इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो स्पेकुलेटिव मिडिलमैन क्या होते हैं? ये वो मिडिलमैन होते हैं जो इनको
जब ये प्रोड्यूस होते हैं वहां से वो परचेस कर लेते हैं, और जब इनको लगता है फ्यूचर में कि भाई इस समय भी महंगा, मतलब ये इनका रेट अच्छा मिलेगा, तो ये स्टोर करके बाद में उसको सेल आउट कर देते हैं। ये स्पेकुलेशन करते हैं। स्पेकुलेशन क्या होता है? भविष्य में किसी को प्रिटेंड करना कि कब इसका रेट अच्छा मिलेगा और उसके हिसाब से किसी कमोडिटी को खरीद लेना, इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। ये जो मिडिलमैन होते हैं स्पेकुलेटिव कहलाते हैं। और फैसिलिटेटिव क्या होते हैं? जो डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, ग्रेडिंग का हो गया, सप्लाई डिमांड इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन का हो गया, ठीक है। तो ये फैसिलिटेटिव मिडिलमैन होते हैं। देन कॉम्पिटिटिव के चैनल्स हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, मिल्क का है, एक का है, लाइव पोल्ट्री का हुआ, लाइव एनिमल का हुआ, ठीक है। कोई बहुत इसमें डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए मुझे नहीं लगता, फिर भी यदि नहीं समझ में तो मुझसे पूछ लेना। आज के लेक्चर में कोई चीज समझ में नहीं आया किसी को तो एक बार बता दो। हाँ गया सर, ठीक है। इसमें